सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके दिए हुए आराम से तबीयत बहुत बढ़िया हो रही है धीरे धीरे, और आज मैं उसी रेशो के सेकंड चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट को, ताकि थोड़ी और नॉलेज आपको हो जाए। पिछली क्लास में आपने देखा कि टेक्निकल नेम ऑफ रेशोज़ को हम किस तरह से अलग अलग चैप्टर में देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। आइए अब समझते हैं कि कुछ रेशो की और बातें अगर करना चाहें तो क्या होगी। देखिए, अगर एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपको समझ आएगी कि ये दो नंबर हैं, एक है 12 और एक है 18। इन दोनों नंबर में फ़र्ज कर लो मैं 6-6 जोड़ दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं सेम संख्याएं भी जोड़ सकता हूँ, अनइक्वल भी जोड़ सकता हूँ, और सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं जोड़ूँ तो क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। ये 18 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। नंबर के चेंज होने के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि ये जो रेशो था पहले वो 2:3 था, और बाद में जो ये रेशो है वो 3:4 है। यानी कि एक रेशो जब बदलता है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ के ऐड और सबट्रैक्ट होने से ऐसा हो सकता है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे 12 और 18 क्या हैं, तो ये मेरे ओरिजिनल नंबर्स हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको द रेशो बिटवीन टू नंबर्स गिवन होता है, और उसमें कंडीशन दी होती है इफ 6 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स, इफ 6 इज added in both the numbers, the ratio became 3:4. Find the numbers. जी हाँ, क्वेश्चन की बात कहूँ कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक में 6 जोड़ने से वह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बताइए कि संख्याएं क्या थी। इन सवालों को सॉल्व करते करते आज तक आप लोग x का यूज करते आए हैं। x का जिस तरीके से आप यूज करते आए हैं इन सवालों के लिए, वो कुछ ये तरीका रहता था। लेट द रेशो बी x, और नंबर 1:2x, नंबर 2:3x, और दोनों में 6 ऐड कर दिया तो उसके बाद कंडीशन ये, देन द चेंज इन नंबर इज 2x+6 एंड 3x+6, राइट। नाउ द रेशो इन दिस टू इज इक्वल टू दिस वन, और इसको आप सॉल्व करते थे 2x+6/3x+6 इज इक्वल टू 3/4, और लगते थे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने। तो 4 × 2 = 8x, 4 × 6 = 24, 3 × 3 = 9x, 3 × 6 = 18, 8 और 9 का डिफरेंस आपका हो गया, यस और नो। सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये -x = -6 और x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से आप फिर नंबर्स की वैल्यू निकालते थे, n1 = 2x यानी कि 2 × 6 अर्थात 12, और n2 की वैल्यू निकालते थे 3x यानी कि 3 × 6 = 18। यार अगर आप इस तरीके से करते आए तो यकीन मान लो कि आपको मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन ये कन्फर्म हो गया इतना टाइम है कहाँ हमारे पास। अब आपको जो मैजिक देखना है, जबरदस्त तरीके से आपको मैजिक देखना है, तो आप समझ जाएंगे कि x इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से मैं कैसे गायब कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं ये x रेशो नहीं होता, ये सही मायने में HCF ऑफ द फर्स्ट रेशो है। अगर इसे हमने निकाल लिया तो कहीं ना कहीं हमारा काम बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। और इसे निकालने के लिए मैं आपको कहूं कि दो रेशो को एक साथ ऐसे रख देना जैसे कपल हो, अलग रहना ही नहीं चाहते, लेकिन इन दोनों के बनने का कारण मत भूलना, दैट इज एडिड 6। बस ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स वैक्स का वेट नहीं करना, एक यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान कैसे निकलेगा, जरा बोर्ड पे देखिए, मजा आने वाला है आपको। क्या अब आएगा आपको मजा, ये किया आपने 6 × 3 = 18, 4 × 6 = 24, 24 और 18 का डिफरेंस हो गया 6। ऊपर चलते हैं, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 और 8 का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान सीधे सीधे क्या निकला, 6, और आपके पास है रेशो 2:3, और इसका HCF है 6, तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, आंसर आ गया हमारा, यस। यही 12 और 18 निकालने के लिए हमने कितने सारे कैलकुलेशन, स्टेप ऑफ कैलकुलेशन में x, ये वो फलाना डिमका किया, और वो सारी चीज़ें हमारी तुरंत इस स्मार्ट टेक्निक से सॉल्व हो गई। इस स्मार्ट टेक्निक से और क्या क्या हो सकता है ये आपको समझना है। समझना ये है कि संख्याओं में जोड़ा घटाया, जोड़ा और घटाया, किस तरह का भी सवाल आ जाए
आपको इस स्मार्ट तरीके से बिना एक्स के आंसर मिलेगा। तो आइए मैं आपको एक और सवाल समझाऊंगा, इसे नोट कीजिए। तो ये बेकार की चीज हटा दी हमने, एक और सवाल लिखते हैं इसी पर बना हुआ सवाल कैसा हो सकता है। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:5। किसी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या में 4 और 5 का अनुपात है। When 100 boys and 200 girls were admitted, the ratio became 5:7। जब 100 लड़के और 200 लड़कियों ने प्रवेश लिया तो यह अनुपात 5:7 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली, प्रारंभ में कितने लड़के और लड़की थे। कोई टेंशन नहीं लेनी है, एक्स और वाई का कोई यूज नहीं करना है, सीधे सीधे समझते हैं। पहले रेशो था 4:5, बाद में रेशो हो गया 5:7, यहां पर लड़के आए 100 और लड़कियां आई 200। अब आराम से सॉल्व करेंगे। यहां गए तो आया कितना, 1000, यहां कितना आया 700, 700 और 1000 का डिफरेंस कितना आया 300। ऊपर चलेंगे, 7 चौक 28 हुआ, 5 पंजे 25 हुआ, 28 और 25 का डिफरेंस कितना हुआ 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हुआ 300, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 100। जब 1 यूनिट का मान 100 होगा तो बॉयज़ क्या थे 4 यूनिट, तो बॉयज़ की वैल्यू क्या हो गई, सर बॉयज़ की वैल्यू हो गई 4 × 100, दैट आंसर इज 400। तो गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी सर 5 × 100, दैट इज इक्वल टू 500। कितने आराम से विदाउट सो मैनी कैलकुलेशंस एंड इक्वेशन हमें इसे आराम से सॉल्व करने का मौका मिल गया। सो नाउ आई कैन से दिस इज वेरी इजी फॉर यू। अब बात आती है किसी क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं, नहीं, एवरेज में मैंने आपको बताया था किसी क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स के अलावा भी कुछ और होता है। आप कुछ और सोच रहे हैं, मुझे मालूम है, गलत नहीं सोचना है। मैं कह रहा हूँ एक क्लास के अंदर जेंडर वाइज को छोड़कर सेक्शन वाइज भी प्रॉब्लम आती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर मान लीजिए किसी क्लास के अंदर 4 सेक्शन है और उनके बच्चों की संख्या का रेशो दिया हुआ है और हर सेक्शन में बच्चों की संख्या बढ़ रही हो और फिर चारों का सेक्शन का रेशो चेंज हो जाए और फिर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग में चारों सेक्शन में कितने कितने बच्चे थे, तो आप 4:1 देखकर वो इक्वेशन जिसे आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते। तो आप क्या करें कि सेक्शन 4 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, फिर भी आंसर निकल जाए। फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने सीखा इसमें अभी और आप क्या सीख सकते हैं। चलो देखते हैं एक सवाल। द रेशो बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ 3 सेक्शंस इज 2:3:4 व्हेन 100 students were admitted in each section, the ratio became 3:4:5। जब प्रत्येक विभाग में 100-100 विद्यार्थी का प्रवेश किया गया
तो अनुपात 3, 4, 5 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इनिशियली। तो बताइए कि प्रारंभ में प्रत्येक सेक्शन में बच्चों की संख्या कितनी कितनी थी। अब जरा यूं समझो कि आपके पास रेशो क्या है, 2 है 3 है 4 है और क्या है, 3 है 4 है और 5 है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्ट है, तो कोई 2 पार्ट आप सिलेक्ट कर लो जो आपका मन करे। तो यहाँ पर बच्चों का एडमिशन 100 100 100 हो रखा है। अगर ये अलग अलग भी होता ना तो भी आपको मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है, एनी टू यू सिलेक्ट योरसेल्फ, एक यूनिट का मान निकालने के लिए। तो हमें जिस रेशो से आंसर निकालना है उसकी एक यूनिट की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक यूनिट के लिए क्या करें, कुछ भी उठा लो, जैसे उठा लिया आपने 2:3, 3:4 और ये हो गया 100 and 100+। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 300 ये 400 तो आया कितना 100, ये 8 ये 9 तो आया कितना 1, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 100। जिस एक यूनिट की तलाश आपको थी उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 100। तो आपको इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर व्हेन 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200, 300 and 400 इन दी सेक्शंस इनिशियली। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि अगर सेक्शन 3 की जगह 4 भी हो गए ना तो भी आपको घबराना नहीं है, किसी 2 को उठा के सॉल्व कर देना है एंड यू विल एंजॉय इट। यस, बहुत बढ़िया, आ रहा है आपको समझ में, खुश भी हो रहे होंगे आप, क्या जबरदस्त मेथड निकाल दिया सर, अभी कहाँ बताई पूरी बात, अभी देखो ना और क्या क्या निकलेगा इसके साथ। The present age of a father is 7 times the age of his son. एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। After 5 years the father age will be 4 times as old as his son. 5 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। Find the present age of father. पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं यहाँ पापा और बेटे में जो रिलेशन बनाया गया है वो एक रेशो का ही है, जिसे हम बोल सकते हैं पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो पिताजी हो गए 7 यूनिट और बेटा हो गया 1 यूनिट। अब क्या हुआ, 5 साल बाद यही रेशो 4:1 में बदल गया, लेकिन इसको बदलने में लगे 5 साल बाद, मतलब +5। अब देखते हैं कैसे निकलेगा आंसर, 20, 5, 15, 7, 4, 3 तो 3 यूनिट का मान 15 तो 1 यूनिट का मान 5। तो पिता की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट, तो फादर की एज क्या आ गई 7 यूनिट, जब 1 यूनिट का मान 5 है। तो पापा हुए 35 साल के और बेटा हुआ 5 साल का। सो दिस इज द वेरी स्मार्ट एंड ईजीएस्ट मैथड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ एज इज ऑल्सो वेन दिस इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more than 2 persons एंड वी हैव 2 रेशोज, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो जाएं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि रेशो 2 होने चाहिए। यस, इन 2 रेशो के हिसाब से अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं, समझते समझते हम कहाँ तक चले जाते हैं,
देखो हम निकले थे रेशो की एक छोटी सी बात करने, नंबर से, नंबर से निकले तो हम क्लास में घुस गए, क्लास से बाहर निकले तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में घुस गए। मेथड एक, सॉल्यूशन अनेक। इसी के लिए आपको कंटिन्यू अभी और देखना है, देखते रहिए। अब इसी एज प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को करते हैं, फिर आ जाएगा। डोंट वरीड कि रेशो मैंने कहा कि दो लेक्चर में खत्म होगा, अगर तीन भी करने पड़े तो तीन भी पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा, ये वादा आपका मेरे से पहले आप मुझसे ले चुके हैं। यस और नो? जी हाँ, आइए और बात करते हैं। फाइव ईयर्स एगो द फादर एज वॉज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। पांच साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की चार गुनी थी, बट आफ्टर फाइव ईयर्स द फादर एज विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। जबकि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/2 गुनी होगी, यानी कि 2.5 गुनी होगी, 2.5 टाइम्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो भैया पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो फादर और सन में जो रेशो 4:1 का था वो याद रहे 5 ईयर्स, यस 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले था। तो इसको छोड़ते यहीं समझ लेते हैं अभी, तो 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 का मतलब है 2 से 5 बनना, ठीक है, 2 रेशो मिल गए आपको। पहली बात थी 5 साल पहले की और अगली बात है 5 साल आगे की, तो 5 और 5 यानी कि इफेक्ट आया 10 साल का। तो अगर हम यहाँ और यहाँ 10 लिखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो कैलकुलेशन है 50-20 दोनों का डिफरेंस 30, 8, 5 और 3, इसका फर्क आया 1 यूनिट बराबर 10। अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो अगर हम यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज क्या आएगी, वो आएगी 4 × 10 अर्थात 40, और सन की एज क्या आएगी, 1 × 10 अर्थात 10। तो और दोनों आंसर गलत होंगे, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये पास्ट की थी, 5 साल पहले की थी। तो अब तो वो उम्र 5 साल वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो 45 और 15 होनी चाहिए। यस, देखो सिंगल मेथड में कितने सारे रेशो के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको इससे। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज सम ऑफ हिज 5 children age. After 12 years, the father age will be half of the sum of children's age. Find the present age of father. एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के जोड़ के बराबर है, यानी कि फादर और सम दो चीजें हमारे पास है,
और सम में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, लेकिन बराबर शब्द का मतलब हुआ कि रेशो 1:1 होगा, लेकिन बाद में रेशो हो गया आधा, तो जब बाद में आधा हुआ तो इसका मतलब है ये बराबर नहीं है, तो 2:1 हो गया, इसका मतलब पिताजी की वैल्यू 1 हुई और सम की वैल्यू 2 हो गई, तो रेशो तो मिल गया, लेकिन पिताजी 12 साल में 12 साल ही प्लस होंगे, लेकिन सम में 12 साल कहीं ना कहीं 60 साल प्लस होंगे, क्योंकि वो 5 लोगों का है, तो पिताजी के लिए हमने लिखा 12 और योगफल के लिए लिखा 60। अब ये हुआ 60, ये हुआ 24 और यहाँ बचा 36, ये हुआ 2, ये हुआ 1 और यहाँ बचा 1, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान आया 36 और 1 यूनिट का मान ही था पिताजी, तो पापा की उम्र आ गई फादर एज इज इक्वल टू 36 ईयर्स। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस कॉन्सेप्ट को लगाना अगर सीख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के जोड़ के बराबर थी, कितने के जोड़ के बराबर थी, और बोल रहा था कि 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के योग की, मतलब बच्चों की आयु के योग के आधे के बराबर होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। आप सोच रहे हो कि सर बच्चों की आयु बता सकते हैं क्या, नहीं, 5-5 लोग हैं, 5 में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, सिर्फ फादर बिकॉज वो अकेले थे उनके बारे में हम बता पाए। आइए आपको इसी से आयु से ऊ की मात्रा हटा दे तो आय शब्द बनता है, यानी कि इनकम की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे द रेशो बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3 इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 4,000 rupees फाइंड दी इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है सर, हमारे पास रेशो हो गया 3:2 किस में, ए और बी में, सेंस क्या था, इनकम का रेशो मालूम है, साथ में कौन सा रेशो मालूम है, एक्सपेंडिचर का, तो बचत कितनी है, 4,000 rupees बचा लिए, जोड़ लिए इन्होंने, वैसे सही मायने में कॉन्सेप्चुअली माइनस होता क्योंकि हम इनकम में से घटाते तो ये रेशो रिप्रेजेंट होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा जो मैं इसके बाद बताऊंगा। 20, 12, 8, 10, 9, 1 एक यूनिट का मान 8, एक यूनिट का मान 8,000। अब इनकम की बात करते हैं, एक ही इनकम 3 यूनिट, तो यानी कि एज इनकम 24,000 और बीज इनकम 2×8,000 यानी कि ₹16,000। तो भाई सीधे सीधे हमें समझ आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन भी ऐसा अगर आ जाए और 2 की जगह 3 लोग भी हों तो किसी 2 का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जरा समझना कि मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं
बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं नीचे की वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ जो आ रही है मल्टीप्लाई करने पर। ऊपर का तो करना ही सब्ट्रैक्ट है, नीचे की वैल्यू कब तक सब्ट्रैक्ट करनी है और क्या कभी ऐड भी करनी पड़ सकती है ये समझना है। देखिए, अगर बॉयज़ और गर्ल्स, जहाँ से हमने शुरू किया था, मान लीजिए इनकी संख्या 400 है और इनकी संख्या 500 है, यहाँ पर 200 एडमिशन हो गए और यहाँ से 100 लोग चले गए, तो आपके पास जो 600 और 400 वैल्यू आई है ना, रेशो तो वो भी है, दैट इज़ 3:2, और रेशो ये भी था, दैट इज़ 4:5, लेकिन इस रेशो से इस रेशो के यहाँ तक आने में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन लगा हुआ है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4:5 भी वैसे लिखेंगे, 3:2 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस 200 और माइनस 100 से आपने करना क्या है ये समझाना चाह रहा हूँ, कैसे पहुँचेंगे सही 400 और 500 तक। यहाँ पर जब आप करेंगे इसे 400 पॉजिटिव और जब इसे करेंगे तो माइनस 300 नेगेटिव, तो इसमें से इसको माइनस करने से ये प्लस 700 हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। मतलब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, या यूँ समझो माइनस प्लस की ऑब्जर्वेशन में आप उन दोनों चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जबकि दोनों सम यानी कि दोनों टर्म्स में प्लस हो या माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर क्या हुआ, दिस इज 8 एंड दिस इज 15, तो डिफरेंस कितने का आया, 7 का। इसे माइनस ही करना है क्योंकि यहाँ पर तो साइन रेशो में होते ही नहीं है, पॉजिटिव ही रहते हैं, तो 7 यूनिट का मान क्या आया, 700, तो 1 यूनिट का मान क्या आया, 100। तो उसके बाद हमारे को देखना है 4 और 5 का मतलब क्या होगा, 4 यूनिट बराबर 400 होगा और 5 यूनिट बराबर 500 होगा। मतलब मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश करी कि अगर एडमिशन और विड्रॉल शब्द प्रयोग हुआ है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ हुई है, यस और नो। तो आप ऐसे में भी इस मेथड को अप्लाई करते समय यही याद रखें कि अगर नीचे प्लस माइनस है तो उन्हें आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। इसका क्वेश्चन बना देता हूँ, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:5 व्हेन 200 बॉयज वर एडमिटेड एंड 100 गर्ल्स लेफ्ट द क्लास द रेशो बिकेम 3:2। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में 4:5 का अनुपात है, जब 200 लड़कों ने प्रवेश लिया और 100 लड़कियां क्लास छोड़कर चली गई तो रेशो 3:2 हो गया। बताइए कि प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी। सो मेथड इज अगेन इफेक्टिव, राइट और रॉन्ग, पूरे इफेक्ट के साथ आपको सोल्यूशन दे रहा है। तो यही चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कराता रहूं और इस तरीके से आपको लगे यार पूरी की पूरी क्लास भी समझ आ गई और बर्डन भी कहीं नहीं हुआ, तो ही मज़ा आता है। यस, मज़ा तभी आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो वो बात आप अच्छे से समझ लें। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बेटी, ये जो मेथड आपने देखा, आप सोच रहे होगे सर ये कहां से पैदा हो गया, हम तो ऐसे सारे सारे सवालों को x और y के हेल्प से लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल से सॉल्व करते आए हैं, और आपने टू वेरिएबल तो बहुत दूर की बात है, एक वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया और रेशो के बेस पर उसे कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें करने के लिए ही हम आप मिले हैं, चीज़ें जितनी आसान होंगी उतनी बढ़िया होंगी। तो अब थोड़ा सा, जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ा रहा था तो मैंने उसके अंदर आपको एक कॉइंस की प्रॉब्लम कराई थी, तो कॉइंस के उस क्वेश्चन के अंदर एक ही टाइप का क्वेश्चन कराया था जहां पर नंबर ऑफ कॉइंस मालूम थे
और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू मालूम थी। अगर दोनों चीज़ें अगर हमें पता ना हो, कोई एक ही चीज़ पता हो, तो दो तरह के नए रेशो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उसमें दो रेशो होते हैं, जिसमें एक रेशो होता है क्वांटिटी रेशो, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली संख्या अनुपात। संधि कर दोगे तो संख्या अनुपात हो जाएगा, अ की मात्रा हट जाएगी, यस और नो। और दूसरा आता है वैल्यू रेशो। वैल्यू रेशो मतलब मूल्य अनुपात। तो मूल्य अनुपात की बात हम करें तो मूल्य अनुपात से मूल्य को ही बांटा जा सकता है, और संख्या अनुपात से करेंसी की संख्या को ही बांट सकते हैं। तो अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि मैंने गुल्लक तोड़ी जिसमें एक रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के 400, 300 और 200 कौन क्या निकले, कॉइन्स निकले। तो इसका जो रेशो बना वो बना 4:3:2, और इसी रेशो को हम क्वांटिटी रेशो बोल सकते हैं, जिसमें इनकी टोटल क्वांटिटी 900 कॉइन्स है, और 900 कॉइन्स को तोड़ने के लिए इस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ समझते हैं कि 400 कॉइन्स से एक रुपये के हिसाब से 400 रुपये बनेंगे, और 300 कॉइन्स से 50 पैसे कॉइन्स के हिसाब से 150 रुपये बनेंगे, और 200 कॉइन्स से 25 पैसे के हिसाब से 50 रुपये बनेंगे। अगर हम इसके बात करें तो ये हमारे पास सही मायने में 600 रुपये है, वैल्यू है, और 600 रुपये की इस वैल्यू को, राइट, 600 रुपये की इस वैल्यू को अगर जिस रेशो में तोड़ा जा सकता है तो वो रेशो इन्हीं से बनेगा, 50:8, 50:3, 50:1, यानी कि ये भी एक रेशो है। सो दिस रेशो इज कॉल्ड वैल्यू रेशो, जिससे हम उसकी टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मूल्य अनुपात का प्रयोग मूल्य को तोड़ने के लिए है, और संख्या अनुपात का प्रयोग संख्या को तोड़ने के लिए है। क्वेश्चन तब मुश्किल हो जाएगा जब अनुपात संख्या का होगा और दे साथ में रखा होगा मूल्य, और तब हो जाएगा जब अनुपात मूल्य का दे रखा होगा और दे रखी होगी संख्या, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, ये दोनों यहाँ सेटिस्फाइड हैं। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब यहाँ की चीज़ यहाँ और वहाँ की चीज़ वहाँ अवेलेबल होगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कॉइन्स के टफ बन सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की करेंसी जो अवेलेबल है या नहीं है, जो वो बोले उसका हम यूज़ करके क्वेश्चन देख सकते हैं। आमतौर पर ये सवाल 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे इस तरह के सवालों में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अब तो मोदी जी ने इस तरह के नोट्स भी बना दिए जो हमने कभी नहीं सोचे थे, उन सब पर भी अगर क्वेश्चन बनता है तो हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटर होगा, समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। The ratio between the value of coins of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa is 4:3:1, is 4:3:1 if total coins are 900, find the number of coins of each type। एक क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य अनुपात 4:3:1 है, और उनकी टोटल सिक्कों की संख्या 900 है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं। तो इस 900 को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये कॉइन्स हैं यानी कि एक क्वांटिटी है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, क्वांटिटी रेशो की, किसके लिए, 900 कॉइन्स के लिए। अब हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास कॉइन्स रेशो नहीं है, रेशो कौन सा है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, मतलब वैल्यू का रेशो है, यानी कि जो पैसा बन गया था उसे काट के जो रेशो बनता है
वो अवेलेबल हमारे पास है। तो आइए मैं समझा देता हूँ छोटे से तरीके से कि आपके पास करना क्या है। आपको आपको क्वांटिटी रेशो कैसे बनाना है ये समझिए। वैल्यू रेशो आपके पास है यानी कि मूल्य अनुपात है, और वो है आपका 4-3-1। जैसे ही वो वैल्यू बोले इसके आगे आप करेंसी का साइन लगा दीजिए, और फिर समझिए ये किसके लिए था, 1 रुपये के लिए, और ये 50 पैसे के लिए, और ये 25 पैसे के लिए। तो 4 रुपये में 1 रुपये की क्वांटिटी की बात करोगे तो वो कितने कॉइन्स आएंगे, कॉइन्स बना लो इसे एक तरह से, 4 आएंगे सर। 3 रुपये में 50 पैसे कितने कॉइन आएंगे, 6 आएंगे सर। 1 रुपये में 25 पैसे कितने कॉइन आएंगे, 4 आएंगे सर। अब इसे काट के रेशो बनाओ, आपको समझ आएगा 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ऐसे आप बना सकते हैं। यस और नो, समझ आ रही मेरी बात? अगर हमें ये रेशो यहाँ पर 8 दे रखा होता तो भी हम घबराते नहीं, तो यहाँ पर 8 कर लेते, और 8 कर लेते तो ये 8 हो जाता, ये 8 हो जाता तो ये 4 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं होना है कि अगर जो रेशो हमारे पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम कॉइन्स रेशो बना सकते हैं। तो कॉइन्स रेशो बन गया 4-3-2, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, 900 कॉइन्स है। अब ये 4, 3, 7 और 2 = 9, तो 9 से भाग किया तो 1 यूनिट का माना गया कितना, 100 कॉइन्स। अब आपको देखने है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं, तो 4 गुना करते जाओ, 400, 300 और 200 कॉइन्स निकल गए। कौन कौन से निकल गए, ये कॉइन्स हुए 1 रुपये के, और ये हुए 50 पैसे के, और ये हुए 25 पैसे के। सो दिस इज द वे विदाउट यूजिंग एक्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक और सवाल बनाते हैं। द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा इज 4:3:2। इफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज रुपीज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। अब जरा समझना इस प्रॉब्लम में क्या है, ये है रुपीस, क्या है रुपीस, तो रुपीस डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, वैल्यू रेशो में। तो वैल्यू रेशो जब तक नहीं आएगी तब तक 1200 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो 1200 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशो हमारे पास है क्वांटिटी रेशो, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे से सेलेक्टेड दिया हुआ है। अब इसको वैल्यू समझें, तो 4 सिक्के अगर 1 रुपए के हों तो उसकी वैल्यू होगी 400 पैसे, 3 सिक्के अगर 50 पैसे के हों तो उसकी वैल्यू होगी 150 पैसे, और 2 सिक्के हों तो उसकी वैल्यू होगी 50 पैसे। अब पैसे पैसे कर दिया मैंने सारा काम, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 5, 8। तो ये रेशो हमारा हो गया क्वांटिटी से कन्वर्ट होकर वैल्यू रेशो, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये यूनिट कितनी हो गई, 8 × 3 = 11 और 1 = 12। तो 1200 को, यस और नो, हम 1200 रुपए को 12 यूनिट से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 100 रुपए। अब 8, 3 और 1 में जब आप 100 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 800 रुपए, 300 रुपए और 100 रुपए। कॉइन्स नहीं मिले, ये जो कॉइन्स हैं वो कौन कौन से थे, ये था 1 रुपए का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। अब कॉइन्स बताते हैं, 1 रुपए से अगर 800 रुपए बने हैं तो कॉइन्स भी 800 होंगे, लेकिन 50 पैसे से 300 रुपए बने हैं तो कॉइन्स की संख्या डबल, 600, और 100 रुपए 25 पैसे कॉइन से बने हैं तो 4 गुने यानी कि
400, तो ये होंगे आपके टोटल कॉइन्स 800, 600 एंड 400 ऑफ ईच टाइप। तो माय डियर, कॉइन्स के क्वेश्चन, दो रेशो से बनने वाली प्रॉब्लम्स आज की क्लास में जो मैंने आपको कराई है, तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं रेशो को इम्प्रूव करने के लिए काम आएंगी। और बेहतर काम करने के लिए, बेहतर तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे मेथड्स को फॉलो करें, सवालों पर उसे अप्लाई करें, डाउट में डिस्कस करें और इम्प्रूव करें, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से आज के लिए थोड़ा सा, राइट? इसके बाद आपके लिए ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर जो परसेंटेज है वो शूट किया हुआ है, दैट यू कैन स्टडी। रेशो को आप समझेंगे कैसे ख़त्म होगा, ऐसे ही ख़त्म होगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा। जी हाँ, आपने मिक्सचर में रेशो पढ़ लिया, टाइम एंड डिस्टेंस में रेशो पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क में रेशो पढ़ लिया, ठीक, पार्टनरशिप में रेशो पढ़ लिया, तो ये कंप्लीट रेशो ही तो है सारा का सारा। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ रेशो पढ़ेंगे, सिंपल और कंपाउंड में रेशो पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपके संग एप्लीकेशन के साथ मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। तो इस कंटेंट को आज आप पढ़ें, ऑल दो इट इज़ वेरी शॉर्ट, बट जो कंटेंट आपको कराना था उसके लिए बहुत ज़रूरी था। बाकी मैं आपको जो रेशो की क्वेश्चंस कराऊंगा वो PNG के संग कराऊंगा, और बढ़िया प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, डोंट वरीड, कल की क्लास में परसेंटेज पढ़ें, परसों की क्लास में परसेंटेज पढ़ेंगे, बीच में किसी दिन मैं आपको PNG पढ़ाऊंगा, एवरेज की, रेशो की, मिक्सचर की, मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू।